गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो वैसे अभी बज रही है सुबह की 8:30 और अभी हम चलेंगे शॉप पे। पर आज सीन ऐसा है कि अभी अतुल आज नहीं आएगा, तो आज मुझे अकेले जाना है। तो आज हम हमारी बाइक साफ़ कर लेते हैं, तो बाइक साफ़ करने के बाद शॉप पर निकलते हैं और जो आगे होगा वो आप आगे धीरे धीरे पता लगता रहेगा, क्योंकि अभी तो मुझे ही नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं। तो शॉप पर जो डेयरी का काम होता है वो तो हम करेंगे ही सही, और देखते हैं। ये हमारी बाइक है, अभी धूल मिट्टी हो रही है, तो पहले बाइक साफ कर लेते हैं। गाइस, मैं जब 6th या 7th के बीच में था, तब ये मूवी मुझे बहुत पसंद थी, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। पर अभी टाइम नहीं है देखने का। बाकी ये मूवी अभी मैं सुबह देख रहा था नाश्ते के टाइम पे, तो बहुत बचपन की यादें बहुत सारी ताज़ा हो गई थी। देखेंगे कभी, अभी क्या है काम बहुत है तो टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए पहले बाइक साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम शॉप पर आ गए हैं। मैं ऐसे आया हुआ मुझे कम से करीब 20 मिनट हो गए हैं। मैंने पीछे बाहर बहुत सारे कपड़े डिस्प्ले पे लगा दिए हैं और बहुत सारे लगाने बाकी हैं। पर अभी सीन ऐसा है कि यहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि वहाँ सामने देखिए मैं कुछ, तो ये वहाँ पर सामने शायद कुछ तार वगैरह टूट गया है, तो इसलिए वहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लाइट बंद है। तो जब तक वहाँ पर लाइट का काम चल रहा है, तब तक हम हमारे पूरे कपड़े डिस्प्ले पर लगा देते हैं, और तब तक उनका भी काम हो जाएगा, तब तक हमारा भी काम हो जाएगा। बड़ी गलत बात है भैया। तो चलिए काम तो करें। मीटिंग में मैं जब यहाँ पे कपड़े लगाना शुरू करता था तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि क्या था ना, आदत में नहीं था। अभी देखो ऐसी चीज़ों को उठा उठा के लेके जाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। पर अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये सब डेली रूटीन का एक हिस्सा हो चुका है। तो पहले हम लोग टी शर्ट लगा देते हैं। यहाँ पर टी शर्ट लगाई है, इस साइड में लोअर लगाने हैं। हमने सारे कपड़े डिस्प्ले पे लगा दिए हैं, और जैसे मैंने कहा था कि जब तक उनका काम होगा तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। तो देखिए मेरे पीछे दिख रही लाइट भी आ गई है, अब हमारा काम और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार सफाई करेंगे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं ताकि अच्छा दिखे, और इसके बाद इसमें से जितना भी माल आया हुआ है सारा बाहर करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। वही सारा काम खत्म करने के बाद अब थोड़ा चैन से बैठने का मौका मिला है। आज थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा है यार, क्योंकि आज अतुल नहीं आया ना, आज मैं किसी के मजे नहीं ले पा रहा हूँ। और आज गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। आज हम लोग का प्लान था कि मतलब शॉप पे पंखा या कूलर लाने का, लेकिन अब अतुल आया नहीं है तो आज मैं अकेला रह गया। आज मैं अकेला हूँ तो मैं ये सारा काम कर नहीं सकता। हम दो लोग होते हैं तो एक बंदा शॉप पर हो जाता है और एक बाकी का काम निपटा लेता है। तो आज शॉप का सारा काम मेरे ऊपर ही है, तो मैं शॉप छोड़ के नहीं जा सकता कहीं। अब आज का जो प्लान था वो कल पर, कल देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ओके सो गाइस, अभी हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आया है उसमें से हमने ये ट्राई किया है। टी शर्ट का फैब्रिक बहुत प्यारा है, लाइक्रा मिक्स है, और इस पर ये जो वेलवेट का टच दिया हुआ है, इसमें मोर के पंख से जैसा कुछ बना हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और टी शर्ट की फिटिंग भी बहुत प्यारी है, और जो कार्गो है उसका फिटिंग भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, और कार्गो बहुत ही कंफर्टेबल है, ये आप कैसे वेयर कर सकते हैं, और ये पूरा कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है।
बहुत प्यारा फिटिंग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन है। कल शॉप पर काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं आगे का ब्लॉग कर नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे का जो ब्लॉग होगा वो भी इसके साथ ही कर लेंगे। गाइस, मुझे यहाँ से जो लुक आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। सुबह नाश्ता तो नहीं, आज हमें दूध मिला है। मम्मी गए हुए मामा के घर और मम्मी है नहीं तो नाश्ता बना नहीं। अब नाश्ता नहीं बना तो आज हम दूध पी लेते हैं। मम्मी है नहीं ना तो आज गमलों में किसी ने पानी डाला नहीं है, तो हम लोग ये काम भी कर लेते हैं। तो इस बार गर्मी बहुत 12 बजाने वाली भाई, मतलब अब भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। सुबह की 8:30-9 करीब हो रही है, लेकिन गर्मी ऐसी लग रही है जैसे दोपहर की 12 बजे वाली हो। जस्ट गौरव का फ़ोन आया था, गौरव को कुछ काम तो आने वाला है और वो आता है तो मैं उससे पता करता हूँ कि होली का क्या प्लान है। गौरव गौरव और हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे, क्योंकि क्या होता है अभी ये भी जॉब पे है, हम भी शॉप पे चले जाते हैं तो बीच में टाइम मिल नहीं पाता है। अभी गौरव का फोन आया था, उसको थोड़ा कुछ काम है पर्सनल, तो बस वो काम कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो गाइस होली का कुछ प्लान बनाओ, कहीं पे भी पास वास मिल रहे हो सस्ते या महंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब लगी गई है तो बताओ, साथ में एंजॉय करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ अपने अच्छा एपिसोड वगैरह। दोस्तों कल आने वाली होली और अभी हमारा कोई प्लान है नहीं होली का, बाकी हम लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ प्लान कर ले, कहीं भी पासेस लेके। पहली बार पासेस लेके कहीं जाएंगे तो बहुत सोचना पड़ता था, महंगे मिलते हैं। अभी क्या है, सब कमाने लग गए, सबको टेंशन नहीं। बाकी जितने भी ग्रुप के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, आज शाम को जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर अकेले जाना होगा। जाएंगे लेकिन इस बार जाएंगे होली। क्या मतलब स्विमिंग पूल मतलब वैसा कुछ बढ़िया हो ऐसा ना रहना सब? अरे वहाँ पे अभी ये रॉयल रिसोर्ट जो है तो वहाँ पे ऐसा ऐसा है कि पूल है, ठीक है, उसके अंदर खाना आएगा, नाश्ता आएगा, अमीर लोग भी आएंगे, सब सब। अरे आज गरीब और अमीरों की लड़कियाँ आएंगी, लड़कियाँ भी आएगी, सब मतलब कपल भी रहेंगे और सिंगल एंट्री भी रहेगी। सिंगल एंट्री अपनी अपनी गाइस, शुरू से मतलब बचपन से सिंगल है, अभी भी इतने बड़े होंगे शादी की उम्र हो चुकी है, अभी छोटा छोटू होता बहुत दुख है, अभी भी सिंगल है। तो ग्रुप अगर पासेस लेने हैं तो अपने पास तो बात करनी पड़ेगी। आज का मेरे हिसाब से तो बुक भी होगा भाई, अभी ये एक हफ्ते पहले कार्रवाई चलती है इसकी। सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ भाई, यहाँ डायरेक्ट रॉयल रिसोर्ट जाके पता करो और वहीं काम हो जाएगा, तो फिर रोजा फोन लगाओ, उनका बहुत रॉयल रिसोर्ट में बातचीत है। अपन पास में चलो, ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा घर वाली खत्म हो जाएगी, दूर ज्यादा फिर नाएंगे गाने में फिर भूख लगती। 2000 years later गाइस, अभी हम शॉप पर आ गए, हमने थोड़े कस्टमर भी अटेंड कर लिए हैं और अभी शॉप की हालत थोड़ी सी खराब हो रही है। सो गाइस, ये जैसे आप देख सकते हो कि शॉप की हालत अभी कुछ ऐसी खराब हो रही है, तो पहले इसको सही करते हैं और ये सारे कपड़े जमाते हैं। एक बात बताओ, मुझे ना सबसे बोरिंग काम लगता है कपड़े जमाना। मतलब अगर जैसे कस्टमर आते हैं तब हम उनके सामने सब कुछ रख देते हैं, फिर वो उसमें से एक कपड़े लेके चले जाते हैं, उसके बाद वो सारा का सारा समेटो, ये सब जमाना है। तो गाइस फटाफट पहले ये जमा देते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। और कल की तरह आज भी अतुल नहीं आया है, तो आज भी सारा काम हम ही करना है।
दोस्तों सफाई तो हो गई है। सीरियसली एक बात बताओ, मैं जितनी सफाई हम लोग जितना काम करते हैं ना, उतना मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं बनता देखने पे। एरिया हमने साफ़ कर दिया है, ये यहाँ से गुना भी साफ़ कर दिया है, ये बॉक्स भी हटा के यहाँ के नीचे की सफाई कर दी है, थोड़ा सा मिरर साफ़ कर देते हैं अभी हम लोग। चल भी आए हैं, ये हमारे सैलून वाले भाई है, हम दाढ़ी और बाल से सेट करवाते हैं, और ये हमारे लिए एक छोटी सी ट्रीट लेके आए हैं, देखिए समोसे, अच्छा पेटीज है समोसे भी। सो गाइस बाहर हो गई है रात और हम अभी बैठ के आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों कल होली है और मेरे सारे दोस्त अभी भी कमीने साले, कोई प्लान नहीं बना रहा कुछ भी, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब कल शॉप तो ऑफ रहेगी, अभी ज़्यादातर हम लोग क्या है कि सब काम में लग गए हैं ना, कोई शॉप पर है, कोई जॉब पर है, किसी का अपना पर्सनल बिजनेस है, तो मिलना नहीं हो पाता है, अभी कल का मौका मिला है। ठीक है, अब मैंने उनको सभी को बोला है कि कहीं चलते हैं, होली पासेस लेते हैं या तो फिर फसल पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मिलते हैं सारे साथ मज़े करेंगे। एक भी सीरियस नहीं है अभी, एक भी के सीरियस है। अतुल तो बोल देता है कि हाँ ठीक है चलो, वो तो वो खाने का ही बोलता है पहले, वैसे तो भुक्कड़ है वो। और सुमित, सुमित का क्या बोलूँ मैं उसको, तो मारूँगा पकड़ के, सारे हमारे नंबर ब्लॉक कर रखे उसने, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, अब उसको फ़ोन भी लगाएं कैसे। गौरव से सुबह बात हुई तो गौरव बोलता है कि 12 बजे चलेंगे, अब मैं अकेला फंस जाता यार, और अकेला कुछ होता नहीं है मन पर, अभी भी ट्राई करते हैं क्या हो सकता है। अभी ना हम काम करते हैं, हम केके को लगाते हैं फोन, केके से पूछते हैं, सुनना हाँ सुनना केके क्या बोलेगा, केके तो जाने का ही बोलता है, जाने के बोलते। हेलो 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 ठाकुर साहब, काय का, किस चीज का, वो भाई कसम से तू सीरियस है कि मैं अभी ब्लॉग बना के यही बोल रहा था कि एक ही दोस्त मेरा सीरियस है। मैंने बोला अभी कॉल करता हूँ उसको, देख लो गाइस। अरे मैं तो तैयार हूँ यार, चलो यार अभी बस यहाँ से निकल रहा हूँ, फिर चल समझते हैं। हाँ अरे मेरा भी वही कहना है, चलो ठीक है ना, अभी घर आके लगाता हूँ फोन में। अभी जैसे केके से हमने बात की तो मैंने बोला था ना वो बंदा सीरियस है, बाकी तो सब बात काटे जा रहे हैं, हाँ काटे जा रहे हैं, इनके चक्कर में कल का दिन निकल जाएंगे। अच्छा अभी हमारे घनिष्ठ मित्र हमारे रोहित भाई आए हुए हैं, तो थोड़ा इनके साथ समय बिता लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। 2000 years later ओके सो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं, आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गया, बहुत बिजी भी था, और हमारे साथ है मेरा भाई पाल। हाय पाल, तो कल होली है, अभी हम लोग का कुछ प्लान चल रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि कल भी ब्लॉग कर पाऊँ, अगर हम लोग पासेस लेके होली खेलने नहीं गए तो भी हमारा एक बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। हाय गाइस, ये मेरा भाई पाल, बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हो पहले भी, और कल हम लोग का एक प्लान है, और अभी वो नहीं बताऊंगा, आगे वाले ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा, आने वाले ब्लॉग में। तो पाल का एक वीडियो आने वाला है जो हम लोग शूट करने वाले हैं, और उसका भी ब्लॉग मैं करूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।